रचना काकी की किटी पार्टी में बड़ा मजा आया, अगर तुम होते ना तो और मजा आता है ना। बहन छुपा छुपी खेल रहे हो? हाँ, गुंडों के साथ छुपा छुपी खेल रही हूँ। अभी अगर वो लोग यहाँ आए तो प्लीज मत बताना कि मैं यहाँ छुपी हूँ। मतलब आपके पीछे गुंडे पड़े हैं? गुंडे? और नहीं तो क्या, कोई इस उम्र में छुपा छुपी खेलता है क्या? हो मैडम, आपने किसी औरत को देखा है क्या यहाँ आते हुए? अभी अभी हम दोनों औरतें आई ना यहाँ पर। ए, मजाक नहीं करने का। मुझे एक बात बताइए, हम दोनों आपको वॉचमैन मैन लगती है? जो ऐसे बैठ कर ऐसे चौपड़ा खोल के देखेंगे कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया है। ठीक है ठीक है, हम लोग कहीं और देखते हैं। चल यार, औरतों के चक्कर में पड़ने का ही नहीं। ये लोग कौन थे और ये सब क्या चल रहा है यहाँ? हमें भी कुछ नहीं पता सासुमा, वो तो ये जो बहन छुपी है ना वो बताएगी। ओ बहन, पर आ जाइए, वो गुंडे भाई गए। आजो 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 आजो। क्या हुआ, क्या था? वो गुंडे भाई आपके पीछे क्यों पड़े थे? दरअसल वो गुंडे मेरे पति के साथ ही है। क्या? वो आपके पति के लोग हैं फिर भी आपके पीछे पड़े, ऐसा क्यों? वो हमारे घर चलिए और वहाँ पर शांति से अपनी वार्ता बताना। हाँ, घर पे मही शशुमा, अब तो दयामणि शशुमा हो ना, और जरा सोचिए ये बिचारी अकेली ऐसे जाएगी और वो गुंडे भाई फिर से इनको उठा के लेके गए तो बराबर कुछ नहीं होगा शशुमा, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, अब चलो, अब धीरे धीरे हमारे पीछे चलो। चल तो घर पे लेके जाता, तेरे धर्मशाला पता नहीं चल रहा क्या? अरे ये तो विकास पार्टी की अध्यक्ष अनुसुईया मेहता है, मोनी भाभी को अपने घर लेके चली गई। रेशमी काली मूछे बक्तावर की निराली, ये बाला खबर सुना दी तूने खुशी वाली। अनुसया मेहता मोहिनी को अपने घर ले गई, वाह 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 वाह। ये तो बड़ी करारी खबर है, अब बक्तावर को अपना पावर यूज करने की जरूरत ना है। चुनाव के वक्त उसे मैंने ढेर सारे वोट दिलाए और वो जीत गई। अरे वाह सर, अब अपनी राजनीति बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ थोड़ी तो राजनीति खेलनी पड़ेगी। जब बाला और बाबू देखना ये अनुसया मेहता खुद अपने हाथों से असली मुकुट मारे सामने लाएगी और मारे हाथ में मारे सामने रखेगी, देख लेना। मुकुट? कैसा मुकुट मोहिनी बहन? वो जो एमजी रोड पर राधा कृष्ण का मंदिर है ना, उस मंदिर में जो कृष्ण भगवान की मूर्त है उस पर जो मुकुट है, मेरे पति वो चुराना चाहते हैं। क्या? एक मिनट, ये है वो मुकुट, तकरीबन 15 लाख कीमत है इसकी, शुद्ध सोने का है ये मुकुट। दरअसल मेरे पिताजी उस मंदिर के पुजारी हैं और अगर वहां पर चोरी हो गई तो उनकी इज्जत पर काला दाग लग जाएगा, इसलिए जब मुझे पता चला कि मेरे पति ये मुकुट चुराने वाले हैं तो मैं इसे लेकर भाग गई। लेकिन मोहिनी बहन, अब पुलिस भाई के पास क्यों नहीं गई? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पति की एक दो पुलिस वालों के साथ अच्छी जान पहचान है तो मैं जोखिम नहीं ले सकती। तो फिर आपने ऐसे इंसान से शादी ही क्यों की जो इतने गलत काम करता है? मुझे भी शादी के बाद ही पता चला कि मेरे पति गलत काम करते हैं। क्या नाम है उनका? बक्तावर।
तुझे क्या लगा अंशुया कि तू दरवाजा बंद कर लेगी तो मैं अंदर नहीं आ सकूंगी, कोई तेरी बात सुन नहीं पाएगा? तुम्हें कितनी बार कहा है कि अगर मुझसे बात करनी हो तो पीसीओ से कॉल किया करो। ओके बोलो क्या काम है? थोड़ा है मारी लुगाई, आपके घर में मेहमान बने हैं मैडम जी। ये बात किससे कर रही है? नाम लेना अंशुया, नाम ले। हाँ वो हुआ, मेरी बहू तुम्हारी बीवी को मेरे घर पे लेके आई। तुम मुद्दे की बात करो बख्तावर। बख्तावर मोहिनी का पति, वो चोर जो मुकुट चुराने वाला है। मारे को वो मुकुट चाहिए मैडम जो मारी लुगाई के पास में है। क्या? हाँ क्योंकि उसका सौदा हो गया है तो मन्ने सामने वाले पार्टी को देना है मैडम। देखो बख्तावर वो मुकुट तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं। अंशुया ये क्या कर रही हो तुम? अरे ये तुम्हारे पार्टी के सारे राज जानता है और भूल गई, हर साल चुनाव में प्रचार में इसी ने तुम्हारी मदद की है। और जरा दूर की सोचो, भविष्य में भी ये आदमी तुम्हारे काम आ सकता है। बहुत काम का आदमी है ये बख्तावर। मैडम मैडम मन्ने अपना पावर यूज करने पर मजबूर ना करो मैडम, बोल दे रहा हूँ मैं। देखो बख्तावर तुम्हें वो मुकुट मिल जाएगा। ये हुई ना अच्छी वाली बात। बख्तावर नाम है मेरा, बख्तावर। अंशुया बख्तावर को मुकुट देना चाहती है, तो मैं क्या करूं? कुछ करना तो पड़ेगा। क्या? हमारे कृष्ण भगवान का मुकुट संकट में? हाँ वही तो कह रही हूँ। ठीक है, इसका उपाय भी है हमारे पास। अच्छा बताइए ना जल्दी से। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन चित्रगुप्त जी इतना बड़ा बक्सा उठाकर मैं पृथ्वी लोक जाऊंगी कैसे? ये बक्सा दिखने में बड़ा है, वजन में तो ये रुई समान है, हल्का है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। बस बस आप ना आपके जादू के कर्तव्य बंद कीजिए और जल्दी से मुझे इसका उपयोग बताइए ना। क्या हम जादूगर हैं जो जादू के कर्तव्य दिखा रहे हैं? अरे बापा आप तो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। अब ये सब छोड़िए और जल्दी से मुझे उपाय बताइए ना, वहाँ भगवान का मुकुट संकट में है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो बक्से का सफेद वाला हिस्सा है उसमें अगर आप मुकुट रखोगी तो ठीक वैसा ही मुकुट उस काले वाले हिस्से में बन जाएगा जो नकली मुकुट होगा, और आप चोर के सामने नकली मुकुट रख देना। हाँ हाँ और असली में संभाल कर रख दूंगी। समझ गई समझ गई, आज मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ? चलती हूँ, आओ जो बेबली की दादी साथ चली गई, पेटी लेके तो गई लेकिन हमारे पेट का क्या? मोहिनी ये मुकुट इसमें रख दो। हाँ, हाँ, वो खाली किया। हाँ मही ये मुकुट संभाल के अंदर रखना। हाँ मैं आती हूँ। जी सासुमा। मोहिनी तिजोरी खाली कर दी है, ये मुकुट तिजोरी में रख दो। मेरे पति का फोन है। कोई बात नहीं, तुम बिना डरे उनसे बात करो। जाओ जाओ जाओ, लेकिन डरना नहीं। हाँ हेलो दादी सास, ये क्या है?
रक्षा पेटी। मुकुट कहाँ है? एक मिनट। अब इस मुकुट को ना इस सफेद वाली बाजू में रख दे। अच्छा। अब ये बक्सा बंद कर दे। अच्छा। अब देख जा। अब ना बक्सा खोल। अच्छा। सांस? ये दूसरा मुकुट? हाँ, अगर इंसानी भाषा में समझाओ ना तो ये नकली चीजें बनाने का मशीन है, समझ गई? अब ना तू असली मुकुट को संभाल कर रख दे, और चोर आएगा ना तो वो ना ये नकली मुकुट चोरा कर ले जाएगा। हाँ दादी सास, क्या दिमाग पाया है आपने? मही सासुमा, लग रहा है सासुमा आ रही है। दादी सास, ये लीजिए, इसे छुपा दीजिए, इस पेटी को छुपा दीजिए। हाँ, 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 छुपा देती हूँ। मही? हाँ? मही, मुकुट की सुरक्षा के लिए पुलिस को हरगिज मत बताना, क्योंकि क्या है ना, मोहिनी के पति को पता चल जाएगा और वो कोई प्लान बना सकता है। ठीक है सासुमा जी। सासुमा जी, काश ए बिबली, अब ना ये असली मुकुट को छुपा कर रख दे, अच्छी तरह से संभाल कर। ठीक है। चार चार मुकुट? एक दो तीन चार, चार चार मुकुट। मुझे लगता है मैंने हड़बड़ी में ना दोनों मुकुट इस सफेद वाली बाजू में ही रख दिए, तो दो के चार हो गए। दादी सास, मैं हमेशा आपको मना करती हूँ, आपके जादू का इस्तेमाल मत करो, मत करो। हुआ ना गड़बड़ घोटाला, देखो शुरू हो गया ना। मैं क्या करूँ आपका नाम? ये चार चार, ये तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है पापा। ये क्या किया आपने दादी सास? ये चार चार का करेंगे क्या? वो बताओ मेरे को थोड़ा। मुझे बता। सू दिखा मुझे ये वाला, बताओ ये अभी क्या? चार चार, मुझे तो दादी सास। अबे चार मुकुट में से असली वाला कौन सा है? अब वो तो जो असली होगा वो असली होगा, और जो नकली होगा वो नकली होगा। क्या? मैं चलूं? नहीं। अच्छा। मुझे ऐसी चाबी बनवा के चाहिए, वो भी एक घंटे में बनेगी। मैडम, जैसे इंटरनेट पे हर सवाल का जवाब मिल जाता है ना, वैसे ही चंदू के पास हर ताले की चाबी मिल जाती है। हो जाएगा मैडम। गुड, थैंक्स। हाँ बख्तावर बोलो। हाँ हाँ, आज रात को मैं मुकुट चुरा लूं, कल सुबह फोन कर। मोहिनी बहन, सबसे पहले इन चार मुकुट में से असली वाला पहचानिए। लेकिन चार मुकुट आए कहाँ से? वो अभी जाने दीजिए आप, सबसे पहले इसमें से असली वाला कौन सा ये पहचानिए ना। अगर मैं सुनार की बेटी होती तो पहचान लेती, लेकिन इसके लिए तो सुनार को ही पूछना पड़ेगा कि इसमें से असली मुकुट कौन सा है। ठीक है, तो कल सुबह सुनार से पूछेंगे। रेशमी काली मूछे बख्तावर की निराली,
जब मैडम बात कर दी आपने धोखे वाली, अपने आप को बड़ी चलाक समझ रही है। ये नकली मुकुट मारे हाथ में थमा दियो कि पागल समझ के रखे हो के मैडम जी, पागल समझ के रखो के। ये लो एप्पल खाओ। अरे लो ना, वैसे तो छिलकों में प्रोटीन होता है पर तुम सेब खाओ। अब मही सागर नहीं आया ना अब तक? सासू माँ, सागर जी का फोन आया था, उन्होंने बोला उन्हें आने में देर हो जाएगी। उठ, उठ। अगर इसकी जान की सलामती चाहते हो ना तो मारा मुकुट मारे को दे दो। तो लेकिन बंदूक वाले भाई आप है कौन? ये मेरे पति है बक्तावर। मैं ही जान पहचान बाद में कर लेना, पहले मुकुट लाओ, दे दो इसे, दे दो। हाँ हाँ सासू माँ, देखिए बंदूक वाले भाई, मेरी सासू माँ को कुछ मत करना, मैं मुकुट लेकर आती हूँ, प्लीज उन्हें कुछ मत करना, प्लीज। जल्दी 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 मई। तीन मुकुट, चौथा मुकुट कहाँ गया? चौथा मुकुट, हे भगवान, हेलो कमिश्नर साहब, मैं मही बोल रही हूँ। अच्छा साहब, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ठीक है कमिश्नर साहब, मैं फोन चालू रखूंगी। वही कहाँ रह गई? वही जल्दी आओ। बक्तावर सुनो, मैंने मुकुट चुराने में तुम्हारी मदद की है, हम दोनों मिले हुए हैं, ये मेरे घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अगर पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी। गुंडा भाई, ये तीनों मुकुट है, अब इसमें से देख लीजिए कि असली वाला कौन सा है। तीन मुकुट? हाँ वो मैं, दरअसल मैंने ही तीन मुकुट बनवाए थे नकली वाले, ताकि जब चोर चोरी करने आए तो वो असली वाला ना लेकर जाए। लेकिन अब तो मैं खुद भूल गई हूँ कि इसमें से असली वाला कौन सा है, अब पता नहीं चौथा वाला मुकुट कहाँ गया। चौथा मुकुट मारे आदमी ने चुराया था। बाला इसे संभाल, मैं असली मुकुट चेक करता हूं। ये मारा असली मुकुट। मारे को मारा मुकुट मिल गया मोहिनी। देखिए बक्तावर भाई, ऐसा गलत काम मत कीजिए। मोहिनी बहन आपको ये गलत काम करने से रोकना चाहती है, वो आपकी पत्नी है, कम से कम इस रिश्ते की तो इज्जत कीजिए। काहे की इज्जत? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मारे को मारा मुकुट मिल गया मोहिनी। बक्तावर भाई, आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी सारी बातें कमिश्नर साहब ने सुन ली है। बक्तावर से तलाकी करना, अपने मौत को बुलाना। जो अपने सास को देख रही हो, पनपट्टी पढ़कर रखी है, बोले तो चला दो बाबू, बोलो। भैया मत चलाना भैया। नहीं, एक बार इस मुकुट को अपनी जगह पहुंचा दो, फिर तुम तीनों को, तुम सबको मैं भून भून के रखना। मोहिनी तन्ने भी रुक जाइए, अगर आप ये मुकुट लेकर यहाँ से गए
तो मैं खुद को चाकू मार दूंगी। बाहुली हो गई क्या मोहिनी? तू ऐसा नहीं कर सकती है। मैं ऐसा कर सकती हूँ। बाहुली हो गई क्या? तू ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर सकती हूँ क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे अपने पिताजी की इज्जत कितनी प्यारी है। क्या कर दिया? भाभी रस्सी लेकर आओ जल्दी से। मोहिनी ये सब सामान हटाओ। ओ ये क्या? ये तो मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। हाँ हाँ बांधो बांधो कस के बांधो इन गुंडों को। बख्तावर भाई आप कैसे इंसान हो? आपको कितनी अच्छी बीवी मिली है। अरे कितना प्यार करती है वो आपसे। जरा देखो इनकी आंखों में, इनके प्यार के सामने सोने जेवरात का कोई मोल नहीं। मोहिनी क्या वाकई में तुम मन्ने प्यार करती है? वो जो है ना वो असली मुकुट है, तू उसे ले जा और भगवान की मूर्ति पर रख देना और हो सके तो मारी तरफ से भगवान को माफी मांगना और मारे जेल से वापस आने का इंतजार करना। मैं तो जा रही हूं, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिल गया। नहीं नहीं नहीं, थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, एक नेता की हैसियत से मेरा ये फर्ज था। शशुमा शशुमा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।